वेलकम बैक टू द फ्रेंड्स गाइस, वेलकम टू द फ्रेश न्यू व्लॉग। और आपका स्वागत है आज एक हिस्टोरिक प्लेस पे। आपने देख ही लिया होगा वीडियो के टाइटल में कि हम आज कहाँ आ रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं एक स्टेपवेल जो बेसिकली लोकेटेड है इन गांधीनगर गुजरात, एंड छोटा सा विलेज है अंबापुर करके, उसमें ही लोकेटेड है। आपने अगर आप गुजरात से हैं तो अगर आपने सुना ही होगा अडालज वाव या स्टेपवेल के बारे में, जो बहुत ही बड़ा आर्कियोलॉजिकल प्लेस है। दिस इज़ सिमिलर अडालज की तरह ही इसका आर्किटेक्चर है। और अब अभी हम जा रहे हैं स्टेपवेल के नीचे अंदर, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप वेल्स है। यहाँ से लोग अंदर तक जाते हैं, और पुराने ज़माने में जो स्टेप वेल्स है वो मुख्य स्रोत होते थे पानी के लिए, जबकि समर वगैरह में पानी आपको नहीं मिलता है। और ये बेसिकली ऑल्सो एक प्लेस होता था जहाँ पे सब विलेजर्स मिलते थे और सब फेस्टिवल्स वगैरह मनाते थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस हुआ करता था पुराने ज़माने में लोगों के लिए। और जो नॉर्मल वेल्स होते हैं और स्टेप वेल्स होते हैं, उसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें आप अंदर तक जा सकते हो पूरा, और जहाँ पे पानी है। तो ऐसा दिख रहा है अम्बापुर स्टेपवेल, और हम आ गए हैं बेसिकली थोड़ा सा नीचे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी और थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं सबसे नीचे स्टेपवेल के अंदर, और जैसे कि देख सकते हैं ये 1, 2, 3, 4 और ये नीचे वाला, उस टोटल मिला के 5-स्टोरी मॉन्यूमेंट कहा जा सकता है इसको। और जैसे कि देख सकते हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया कारीगरी और नक्शी काम किया गया है हर एक पिलर के ऊपर, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो अगर आप अभी तक यहाँ पे नहीं आए तो ज़रूर से इसका विज़िट करें, बहुत ही बढ़िया प्लेस है जिसको बेसिकली हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ उसका नक्शीकाम, जो हर एक इस पिलर के ऊपर और जो खिड़कियाँ हैं वगैरह पे कर रखा है। और अभी मैं अगर बात करूँ तो ये स्टेपवेल ज़्यादातर, आज ही मेरी बात हुई थी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों से, जो कि कह रहे थे कि इसको हमने अभी क्लोज कर दिया है अंडर मेंटेनेंस के तौर पे। सो आई डोंट नो, अगर अभी आप आओगे तो आपके लिए खुला होगा नहीं होगा, लेकिन चले देखते हैं पूरा स्टेपवेल। Thank you.
पीछे जो देख रहे हैं इस तरह से कुछ दिखता है। अभी मैं जाऊंगा वहाँ पे बीच में यहाँ से होते हुए साइड में से, और आपको दिखाता हूँ वहाँ से कैसा व्यू आता है। ये अभी जो पूरी स्टेपल है वो थोड़ी सी जर्जरित हो चुकी है, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि इसको थोड़ा सा इसकी मरम्मत करें, तो इसीलिए अभी इसको बंद कर रखा है लोगों के लिए। आज हमने किसी तरह से उनसे परमिशन ले ली और हमको इजाज़त मिल गई है यहाँ पे वीडियो शूटिंग करने के लिए, तो आपको दिखाते हैं वहाँ से कैसा व्यू आता है। तो अभी पता नहीं मुझे वहाँ से जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से आपको व्यू दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है। तो ये हो गई पूरा नीचे का व्यू, और ये हो गया सामने का व्यू। से हाय मोनाली। और ये जो पीछे देख रहे हैं वो है अम्बापुर का माँ अम्बे का मंदिर। सो मंदिर से होके हुए आपको स्टेपवेल में आना रहता है। तो यही है गाइस पूरा सीन अम्बापुर स्टेपवेल का, और अगर आप आना चाह रहे हैं तो ज़रूर से आइए, मैं तो बोल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे वीडियो फ़ोटोज़ ना ले सके, लेकिन आप इसका इन पर्सन ज़रूर से विज़िट करें। अगर ख़ास अगर आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस विज़िट करना पसंद है तो, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली अडालज की वाव की तरह ही है, तो आई रिकमेंड कि आप यहाँ पे आइए। अहमदाबाद से ज़्यादा दूर नहीं है, आप सुबह 2-3 घंटे का टाइम निकाल के भी आ सकते हैं। तो विज़िट करिए अम्बापुर स्टेपवेल, और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आपको अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।